आज हम बनाने वाले हैं अक्खा मसूर। अक्खा मसूर कराड़ की एक बहुत ही स्पेशल ऐसी डिश है जिसे वहाँ पर ढाबों में बनाया जाता है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। हल्की सी स्पाइसी होती है जिसे कि आप बटर रोटी, नान, पराठा या भाकरी के साथ में खा सकते हैं। थोड़ी ऑयली भी होती है पर खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने साबुत मसूर को रात भर भिगो के रखा था और आप देखिए भिगोने के बाद में अच्छे से फूल गया है। तो इसको 2 से 3 पानी से मैंने जो है धोकर इसे भिगोने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे हम। पैन में लगभग 3 बड़े चम्मच हमको ऑयल ले लेना है। इस रेसिपी में ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऑयल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 1 टीस्पून हम जो है वो ज़ीरा डाल देंगे साबुत। और ज़ीरा अच्छे से तेल में फूल जाए उसके बाद में यहाँ पर 3 बड़े कटे हुए प्याज डाल देंगे हम। फाइनली चॉप मैंने प्याज कर लिए हैं। इसमें प्याज का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है और इसे अब हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है तब तक के जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें जो है अच्छे से भून लेना है। कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे अब हम। तो लगभग 4 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। तो लगभग 1 टीस्पून इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी सारी कच्ची स्मेल जो है वो निकल जाए। अब इसमें हम लगभग 1 चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा डालेंगे। ये ऑप्शनल है पर जो ढाबा होता है उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। और इसमें लगभग 1.5 बड़े चम्मच हम जो है रेड चिली पाउडर डाल देंगे और साथ ही में नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। तीखा आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में जो हमने मसूर की दाल ली थी उसे इसमें डाल देना है। पानी इसका निकाल लिया है मैंने और इसे भी इसमें जो है अच्छे से कोट कर लेंगे हम मसालों में। और उसके बाद में इसे ढक देंगे हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले सारे आपस में कंबाइन हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। यहाँ पर जो फ्लेम है वो लो करके रखी हुई है मैंने क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है दाल को पकने के लिए। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग 1/2 कप इसमें हम जो है वो पानी डाल देंगे। पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है और इसको एक और बार फिर से हम ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे इसे जो है 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। चाहे तो आप बीच बीच में इसे देख सकते हैं कहीं तले पे ना लग जाए। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बबल्स ऊपर आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं हम कि हमारी दाल पकी है या नहीं इस स्टेज पे। तो दाल जो है वो थोड़ी और पकनी बाकी है तो इसमें अब हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो लगभग 1/2 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे लेकिन आपको इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। जो टेस्ट है वो गर्म पानी से ही अच्छी आएगी। अगर आपने इसमें ठंडा पानी डाल दिया तो थोड़ी जो टेस्ट है वो थोड़ी अलग आएगी इसमें। और इसे फिर से एक बार जो है हम वो ढक देंगे और लगभग 3 मिनट के लिए इसे फिर से पका लेंगे हम। तो दाल है उसको मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी छौंक की तैयारी कर लेते हैं हम, मतलब ऊपर से एक और तड़का लगाएंगे हम। तो एक कढ़ाई में लगभग 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें एक छोटा सा प्याज जो है उसको भी मैंने बारीक काट लिया था उसे इसमें डाल देंगे अब हम। और इसे भी हाई फ्लेम पे जो है हमें भून लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो। और उसके बाद में इसमें लगभग हम 1/2 टीस्पून जो है अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम ताकि इसकी सारी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। इस तड़के को जब हम दाल के ऊपर पे डालते हैं तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है दाल का। और लगभग 1/2 कटा हुआ इसमें जो है वो मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें पर मुझे पसंद है टमाटर डालना, इस वजह से मैं यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो तड़का है ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है।
टमाटर को बहुत अच्छे से आपको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दाल भी अच्छे से पक रही है। जो हमने तड़का तैयार किया था वो अब हम जो है इसमें डाल देंगे। और इसे एक और बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो दाल है वो पूरी तरीके से पककर तैयार हो गई है। लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। इसको आप भाकरी, रोटी या बटर नान किसी के भी साथ में खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको हम फिनिश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ में। बहुत ही फ्रेशनेस लगती है इससे। तो यहाँ पर हमारे अक्खा मसूर की जो दाल है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो गैस को बंद करेंगे और फटाफट से इसको जो है अब हम जो है वो सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं आपको अगली रेसिपी वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।